तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेकर आया हूँ जहाँ पर ना भाई दिल्ली के बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कम रेट में बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे यहाँ पर मिलते हैं। भले ही ये इंटरनेट पे इतने फेमस ना हो, लेकिन भीड़ यहाँ पर किसी भी बड़ी दुकान से भाई कम नहीं होती। आप एनी डे आकर चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी कहो भाई यहाँ पर आकर खाए, जो भी लोकेशन है जैसे कि बनते हैं। चलिए अंकल से आपको सारी बात करवाते हैं। नमस्कार अंकल जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया बेटा। अंकल जी 3 साल हो गए मेरे को आपके पास आते हुए, आज भी वही स्माइल है आपकी और वही एनर्जी है। तो अंकल जी ये छोले बताओ, ये छोले को क्या राज है दिल्ली में? इतने बढ़िया छोले 50 रुपए में कोई खिलाई नहीं रहा। अरे है ऊपर वाले की दुआ है, ऊपर वाले जी। इतनी महंगाई बढ़ रही है दिल्ली में, हमने देखा छोले कुलचे वालों तक ने ना 15-15 रुपए बढ़ा दिए अपने, जिसमें हम पुराने, लेकिन आपने 40 के 50 करे ना बस। हाँ 50 10 रुपए बढ़ाए वो भी, और इतने मोटे छोले। अंकल जी छोले कौन से लगाते हैं आप? ये बढ़िया छोले हैं, वाइट छोले होते हैं। कौन से होते हैं ये? ये वाइट वाले, वाइट छोले होते हैं। अंकल जी वाइट छोले भटूरे 50 रुपए में, आपने सोचा नहीं कि इतने सस्ते कैसे खिला रहे हो आप? बस दे रहा है भगवान, दो रोटी करने मिल गई है, भगवान दो रोटी मिल गई। और अभी तक यही चलाने का प्लान चल रहा है? यही चलाऊंगा। क्या क्या डालते हो इसमें? इतने जो गाढ़े बनते हैं अंकल जी अपने, ये सामान तो बहुत डालता हूँ, सामान क्या क्या बताऊंगा। अच्छा बहुत सामान डालते हो, इसमें मिर्ची वर्ची भी डाली हुई है? सब कुछ डाला हुआ। ये देखो भाई धनिया वगैरह। तो जो ये रेसिपी अंकल, ये कहाँ से आई थी? आपके फादर साहब ने दी थी या आपने खुद ही जांच करी? ये मेरी अपनी है। अच्छा, बिना प्याज बिना लहसुन के? ये बिना प्याज और बिना लहसुन के है। तो अगर किसी को प्याज खाने हो तो उसके लिए कुछ ऑप्शन रखा हुआ है? प्याज ये कटी हुई है, अलग है। अच्छा अलग से खिला दोगे प्याज, ठीक है जी। क्या क्या मिलता है अंकल जी अपने पास छोले भटूरे के अलावा? छोले भटूरे, ब्रेड में पूरी, कचौरी, ब्रेड, कढ़ी चावल। अच्छा तो वो कचौरी की क्या प्राइसिंग होती होगी? 30 रुपए। दो पीस। और ब्रेड पकौड़े 20 रुपए। कौन से आलू वाले या आलू वाले? और कढ़ी चावल के? कढ़ी चावल 50 रुपए प्लेट। 50 रुपए चावल है। अच्छा ये वाले चावल है, ये कौन से चावल होते हैं? ये डबल चाबी चावल लगा रहे हो आप, क्या बात है। साथ में धनिया वनिया। और ये भाई अपने अंकल, ये मसाला वाले आलू? हाँ मसाले वाले। ये भाई ये मसाला वाले, चलिए बहुत बेहतरीन। तो अंकल जी एक बार एड्रेस बताइए यहाँ का क्या पड़ेगा? बिजली घर के सामने, फोटो ऑफिस के सामने, BSCS ऑफिस के सामने, टैगोर गार्डन ना ये? हाँ टैगोर गार्डन, BSCS ऑफिस के सामने, घवंडी छोले भटूरे के नाम से है। तो अंकल जी छोले के साथ क्या क्या देते हो एक बार दिखाएंगे मेरे को? छोले भटूरे, आलू देता हूँ। हाँ प्याज है, हरी चटनी है, छोले दे रहे हो? कोई दूसरी सब्जी मांग ले, वही ले लो। आलू की सब्जी भी है, छोले भी है। अच्छा दिखाना अंकल जी आलू की सब्जी एक बार। आलू की सब्जी एकदम। अच्छा ये भाई अपने मेथी की चटनी, तो ये खट्टी मीठी होती है, कैसी रहती है? खट्टी होती है, खट्टी होती है ये। ठीक है अंकल जी एक बार छोले चला के दिखाइए, बहुत गाढ़े गाढ़े छोले हैं भाई। ये देखो अपने व्हाइट छोले दोस्तों यहाँ पर यूज होते हैं। ये देखो भाई छोले कुलचे वालों ने रेट बढ़ा दिए, लेकिन भाई घमंडी छोले भटूरे पे भाई आलू रेट वाले। और ये भाई अपने मसाले वाले, कितने भाई मसाला ठोक ठोक के डाला हुआ है इसमें, क्या बात है अंकल, बहुत बेहतरीन। भटूरे कहाँ बन रहे अंकल जी? भटूरे वहाँ बन रहे, उस साइड में। हाँ ये कड़ी है, दिखाइए कड़ी भी दिखाइए। ये अपना कड़ी पकौड़े। तो पकौड़े किस चीज़ के बना रहे हो? ये पालक है, पालक के पकौड़े हैं। और जो वो ये प्लेट पनीर में ये बनते हैं, भटूरे में पनीर, छोले भटूरे में ये भी डाल रहे हो? हाँ। अच्छा तो जो प्लेट कह रहे थे आप 50 रुपए की कढ़ी चावल की, जो प्लेट है डबल चाबे के साथ, तो प्लेट कौन सी होती है? क्वांटिटी दिखाओगे मेरे को? वो इसमें लगाता हूँ, इसमें लगाता हूँ, बड़ी प्लेट है। अच्छा अजय पूरे भर देते हो चावल इसमें, क्या बात है भाई, डबल चाबी चावल बहुत ही सस्ते दाम में। और अगर कोई दोबारा मांगे कड़ी तो वो भी मिल जाती है? हाँ बिल्कुल है, वो तो मिलेगी। अरे क्या बात है, बहुत बेहतरीन। तो अंकल एक छोले भटूरे की प्लेट लगा दीजिए हमारी। एक प्लेट छोले भटूरे लगा रहे हैं, वो कैसे बना रहे? तो चलिए दोस्तों अब आप लोगों को ना भटूरे में बनते हुए दिखाता हूँ। वैसे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, आप सब लोगों ने हर जगह पर भटूरे बनते हुए देखे ही हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है ज़्यादा डीप फ्राइड नहीं होते, ये शैलो फ्राइड होते हैं। और फिर भी भाई कलर जो है ना भटूरे का वो बहुत बढ़िया तरीके से आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो, मस्त भाई बढ़िया फूलता है भटूरा इनका देखे। और ये ऐसे नहीं कि पतले पतले भटूरे मिलेंगे, आप अपने हिसाब से मोटा फुलवा लो भटूरा, वो भी फूल जाएगा। डीप फ्राई करवा लो या बिल्कुल जिसे कहते हैं ना लाल, बिल्कुल जो कलर आता है एक गाढ़ा सा कलर, आप यहाँ पर वो भी करवा सकते हो। ब्रेड पकौड़ा खा लो यहाँ पर, ब्रेड में पूरी खा लो, कढ़ी चावल खा लो भाई, सब यहाँ पर टॉप क्वालिटी का मिलता है। मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था ना, इतनी इनकी पॉपुलैरिटी नहीं है सोशल मीडिया पे जितनी आप सोच रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ का स्वाद जो है ना भाई वो बहुत ज़बरदस्त रहता है। लोग यहाँ पर भाई खूब खाने आते हैं, 18 से 20 साल होगा भाई अंकल को यहाँ पर छोले भटूरे बेचते हो। पूरे टैगोर गार्डन में ना भाई इनको बच्चा बच्चा जानता है, ऐसा कोई नहीं है भाई जो घमंडी छोले भटूरे वालों को
ना जानता हूँ। और हर जगह भाई ऐसा ज़रूरी नहीं होता ना कि भाई वीडियोज़ ही बने तभी भाई अंकल वायरल होंगे या टेस्ट वायरल होगा वहाँ का। ये भाई बिना इतनी वीडियो बने भी भाई बहुत वायरल चल रहे हैं, क्योंकि टेस्ट ही भाई इनका इतना बढ़िया रहता है। तो मात्र 50 रुपये में दे रहे हो, और आपको सिर्फ 50 रुपये में आज के टाइम पर वाइट छोले वाले छोले भटूरे आपको कोई भी नहीं खिलाएगा। और अच्छी बात ये भी रहती है, लहसुन प्याज नहीं डालते ताकि भाई हर कोई खा सके। सबसे अच्छी बात तो ये है, जैनी भी यहाँ पर आकर खा सकते हैं। आजकल तो भाई हिंदुओं में भी बने में भी लहसुन प्याज नहीं खाया जाता, लेकिन हर कोई यहाँ पर आकर छोले भटूरे खा सकते हैं। इन्होंने क्वालिटी ही भाई ऐसी दे रहे हैं जो कि भाई एक बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है। तो चलिए सारी बात हो गई, अब आपको प्लेट लगते हुए दिखाते हैं, फिर टेस्ट बताएंगे। मुझे लगाइए एक प्लेट। ये सबसे पहले इसमें आगे भी देखिए कितने गाढ़े गाढ़े छोले वाइट छोले भाई यहाँ पर यूज होते हैं मात्र 50 रुपये में। साथ में अंकल जी क्या लगा रहे हैं, ये आलू मसाले वाले आलू आगे 3 भाई पीस आगे। ये आगे प्याज साथ में डल के प्याज। ये हरी चटनी। ये भाई हरी चटनी आ गई। धनिया पुदीने की है ना? हाँ। जोमेटो में भी अपना जोमेटो में भी अंकल आगे किस नाम से चल रहा है? गमंडी के नाम से। गमंडी के नाम से। और ये भाई अचार आ गया इसमें। अरे भाई ये देखो भटूरे रखे दोगे इसके ऊपर? हाँ जी हाँ जी। क्या कारण होता है इसका? तेल ही लगता ना नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब सेहत का थोड़ा बहुत तो ध्यान रख ही रहे हो। नहीं के साथ साथ रखना तो पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भाई डल गए अपने भटूरे। तो ये अंकल जी अपने 50 रुपये के छोले भटूरे हो गए रेडी। तो भाई दिल्ली के सबसे सस्ते छोले भटूरे मात्र 50 रुपये में विद हाई क्वालिटी भाई लग चुकी है अपने आपको। मैं एक बार छोले दिखाऊँ तो देख सकते हैं आप, मतलब कितने मोटे छोले मिल रहे हैं यहाँ पर मात्र 50 रुपये में। इतने मोटे छोले भाई आपको कोई भी नहीं देगा। उस आदमी ये चेक करिए भाई भटूरे अपने। अभी मैदा तो देखो वैसे भी सस्ता होता ही है, मैंने तो जो मैदा ज़्यादा लगाते कम लगाते बात वो नहीं होती। बात होती है भाई छोलों में, कोई चने यूज़ कर लेता है, कोई काबुली चने यूज़ करते हैं, यहाँ पर वाइट छोले यूज़ होते हैं। वो भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, एक बाइट बनाते हैं। बहुत दिन हो गए भाई वैसे भी हमें छोले भटूरे दिखाए भी आप लोगों को और खाए भी। चलिए देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। हम टेस्ट तो नहीं बोले छोले भटूरे का, मसाला वाले आलू के साथ यार अपनी बाइट बनाएंगे। ये देखिए चलिए आइए। भाई साहब कितने बढ़िया टेस्ट है यार, ये देखिए। मैं आज भी अपने घमंडी छोले भटूरे वाले का टेस्ट दोस्तों बिल्कुल वही बरकरार आ रहा है। बिल्कुल भी उन्होंने टेस्ट में भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। दिल्ली की बढ़ती महंगाई में 50 रुपये में क्वालिटी वाले छोले भटूरे अगर खाने हैं तो भाई घमंडी छोले भटूरे पे ही आपको भाई मिलने वाले। एक बार आइए ट्राई करके, बट ये ज़रूर देखिए डिलीशियस ही बाइट खाना घमंडी छोले भटूरे पे आना। चलिए दोस्तों हम भी अपनी मील को एंजॉय करते हैं।